टू मिनट्स का हॉल्ट है तो मैं नीचे नहीं उतरूंगा, वापी का बता दूं, ये कहा जाता है सिटी ऑफ केमिकल्स एज वेल एज पेपर हब। जब आप स्काई डाइविंग में 13,000 फीट से जंप करते हैं तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा है, और जब आप इंडियन रेलवेज में प्रीमियम ट्रेन यानी कि शताब्दी से ट्रैवल करते हैं तो उसका एक अपना ही अलग मज़ा है। तो दुबई टूर हुआ ख़त्म और एक बार फिर से भारत भ्रमण शुरू। कम ऑन, जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए, बहुत दिन हो गए यार गाना भी नहीं सुनाना। चलिए एक डिजिटल जर्नी करते हैं इन शताब्दी एक्सप्रेस। हेलो गाइस, आज की डेट ऑफ जर्नी है 30th November और फिलहाल मैं जा रहा हूँ बोरीवली स्टेशन। अब देखिए, अब तक मैंने आपको जितने भी ट्रेन व्लॉग्स दिखाए, किसी की शुरुआत होटल से की, किसी की ट्रेन से की, किसी की रेलवे प्लेटफॉर्म से की, मैंने सोचा चलिए इस बार कुछ अलग करते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ, ये देखिए, फिलहाल मैं हूँ उबर में और हम जा रहे हैं बोरीवली स्टेशन टू कैच शताब्दी एक्सप्रेस। सो हे गाइस, दिस इज डोलेश हियर एंड वेलकम टू माय चैनल 200 Journeys। आज मैं बोर्ड कर रहा हूँ 12009 अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस। इनकेस अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें मैं पहले ही ट्रैवल कर चुका हूँ, वापस क्यों कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ पहले मैं गया था चेयर कार में, इस बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एग्जीक्यूटिव। और जो प्लान था वो कुछ और था, बट प्लान में चेंज हुआ और फिर मुझे ये शताब्दी लेनी पड़ी। राइट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 6:40, यहाँ पर उस वाली शताब्दी का सिर्फ 3 मिनट्स का हॉल्ट है। शताब्दी लेने दीजिए और फिर बात करते हैं। क्यों हाफ रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ के आया इस लगेज के साथ। शताब्दी पहले ले लीजिए, सिर्फ 3 मिनट्स का हॉल्ट है, प्लेटफॉर्म नंबर 6। और जानते हैं शताब्दी एक्सप्रेस का ऐसा ही है, अगर आपको शताब्दी एक्सप्रेस बोर्ड करनी है तो आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादातर शताब्दीज आप भी जानते होंगे ऐसी हैं कि सेम डे जहाँ से ओरिजिनेट होती है सेम डे वहीं पर टर्मिनेट भी होती है, बट कुछ शताब्दीज ऐसी हैं जो नेक्स्ट डे टर्मिनेट होती है या नेक्स्ट डे ओरिजिनेट होती है। बस नेक्स्ट 15 मिनट्स और, फिलहाल यहाँ एक लोकल ट्रेन आई है, विरार लोकल आई गेस, 15 मिनट्स मोर एंड देन वी आर गुड टू गो विथ शताब्दी एक्सप्रेस। भरी लीजिए, एक और 15 दिन का टूर शुरू होने जा रहा है आपके लिए, एक और शताब्दी एक्सप्रेस, और बस हो जाइए तैयार, ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ढेर सारा ये है इंफोटेनमेंट आपके लिए डिजिटली शताब्दी एक्सप्रेस। यार बड़े दिन बाद फाइनली आपके लिए एक ट्रेन जर्नी, आई नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कीजिए ट्रैवल, कीजिए मेरे साथ डिजिटली और एंजॉय कीजिए।
जर्नी की शुरुआत हुई है और यहाँ पर विरार पर आई गेस शताब्दी को रोक दिया गया है, लाइन्स आर नॉट क्लियर। अब बारी है एक कॉफ़ी की और प्रीमियम ट्रेन का ना यही मज़ा है, बस ट्रैवल करते चलिए, खाते चलिए कॉफ़ी और उसके साथ ये बिस्किट। बस एग्जीक्यूटिव चेयर का रहे तो यहाँ पर जो लेग स्पेस है ना बेस्ट पार्ट, तो वो है। 170 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वापी, बिकॉज सिर्फ 2 मिनट्स का हॉल्ट है तो मैं नीचे नहीं उतरूंगा। वापी का बता दूं, ये कहा जाता है सिटी ऑफ केमिकल्स एज वेल एज पेपर हब। सर पर्सन करते वापी तक सब फर्स्ट क्लास चल रहा था और जैसे ही हम वापी पहुंचे तो रेलवे स्टाफ आता है और मेरे से कहता है कि भैया आपकी कंप्लेन आई है कि आपकी वजह से कोई पैसेंजर डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, सर बताइए तो सही कौन सा पैसेंजर है जिसने कंप्लेन की है और किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो कुछ नहीं, और वहाँ रायता इतना फैल गया कि वहाँ वो जो ट्रेन में RPF चल रही थी वो RPF आ गई। और बिकॉज मेरे हाथ में कैमरा था तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैंने तुरंत वहाँ कैमरा बंद कर लिया। और जब शताब्दी सूरत से निकल रही थी तो मैंने मोबाइल से एक बाथरूम की वीडियो रिकॉर्ड की है, आप वो देख लीजिए। और बिकॉज इसी शताब्दी में अहमदाबाद शताब्दी मैंने लास्ट ईयर भी जर्नी की थी, वो भी फुल जर्नी, तो मैं आपको सूरत से वो जर्नी दिखा रहा हूँ। बिकॉज देखिए जर्नी इनकम्प्लीट नहीं रहनी चाहिए, एक बार आप ये जर्नी देख लीजिए, इन केस अगर आप पहले भी ये व्लॉग देख चुके हैं ज़रा देख लीजिए, कुछ यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है, व्लॉग देख लीजिए आराम से और फिर मैं आपसे मिलता हूँ और फिर ज़रा और बातचीत करते हैं, कभी कभी होता है। फिलहाल हम सूरत स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, बस सूरत से शताब्दी निकल रही है। मैं इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक बार वो फ्लाइंग रानी में हुआ था, मेरे को लगता है वेस्टर्न लाइन मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था दैट ऑन दिस मुंबई अहमदाबाद रूट दिस इज द फास्टेस्ट ट्रेन, नाउ लेट मी शो यू। If you can see this, so currently we are running at the speed of 115 km per hour और इसकी capacity है to go up to 130 km per hour. We have reached Bharuch station, now you can say one more station in Gujarat state itself, because Ahmedabad जाएगी तो अब जितने station पड़ेंगे सब गुजरात में ही हैं। I hope you are enjoying this journey. अगर आपको मज़ा आ रहा है remember to give a like to this video. अब बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे फिर चलते हैं आगे। So this is the 5th stop and we have covered almost 400 kilometers till now and this is Vadodara, also known as, ये मुझे अभी पता लगा है नाम है संस्कारी सिटी ऑफ इंडिया, वडोदरा को ये भी कहते हैं संस्कारी सिटी। और मुझे ट्राई करने दीजिए अगर यहाँ श्रीखंड मिलता है तो, श्रीखंड मिलेगा, श्रीखंड दादा श्रीखंड मिलेगा। I'm trying but लगता है आज श्रीखंड नसीब में ही नहीं है। If you ask me what I like best about traveling, I would say it has to be food, travel, eat and repeat. And now it's time to have tomato soup. और उसके साथ साथ there is also bread sticks. खाते जाइए, ट्रैवल करते जाइए एंड एंजॉय योर जर्नी। आई मस्ट से आई एम लविंग दिस ट्रेन। Oh,
45 मिनट्स हम पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन दैट इज अहमदाबाद जंक्शन. देर आर चांसेस दैट यू गेट माइट बोर्ड ऑफ ईटिंग ऑन दिस ट्रेन बिकॉज सुबह यू गेट कॉफ़ी और टी, देन ब्रेकफास्ट, फिर सूप और अब है लंच. बट कहते हैं ना कि सफ़र में भूख ज़्यादा लगती है और जल्दी लगती है. सो इट्स 12:10 राइट नाउ. सी नॉर्मली आई डू लंच बिटवीन 2 to 3 PM बट ट्रेन जर्नी है और आपको भी दिखाना है. सो वी विल हैव लंच नाउ. और यहाँ पर मेरे पास ऑन माई प्लेट व्हाट आई हैव गॉट इज चपातीज, देर इज मिक्स वेजिटेबल सब्जी, देर इज दाल एंड ऑल्सो राइस कर्ड एंड लास्ट थिंग आई हैव गॉट इज अमूल की आइसक्रीम. दिस यू कैन नॉट मिस व्हेन यू आर इन गुजरात. चलिए टेस्ट करके देखते हैं. सर 2 दिन और रुक जाइए, अभी ये चल रहा है. आई मस्ट से चपाती एकदम गर्म है. हाँ एकदम. मिक्स वेजिटेबल का भी टेस्ट अच्छा है. सो आई विल कम्प्लीट माई लंच नाउ और थोड़ा 20-25 मिनट आई विल टेक स्लीप एंड नाउ वी विल आई विल कैच यू एट अहमदाबाद जंक्शन. अहमदाबाद में तुम्हारो स्वागत है. सी मैं आपको सच बताऊं, मुझे अब तक नहीं पता कि वहाँ रियल प्रॉब्लम हुई क्या थी. बट मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ भाई, कहते हैं ना कभी कभी दिन ख़राब होता है तो वो दिन चुपचाप निकाल लेना चाहिए. अदरवाइज़ ट्रस्ट मी, मैं कंटेंट किसी कंडीशन पे नहीं छोड़ता. सो दैट्स ऑल गाइज, ये है मेरा ओयो रूम अहमदाबाद में फ़िलहाल मैं जहाँ रहूँगा फॉर फ्यू डेज़. और ओयो से याद आया, याद रखिए इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली और विद फ्रेंड्स तो एक प्रोमो कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये प्रोमो कोड आप यूज़ कर सकते हैं. अप टू 60% ऑफ आपको मिलेगा बिकॉज वैकेशंस हैं, हॉलीडेज टाइम है. तो अप्लाई दिस प्रोमो कोड फॉर अ ग्रेट डिस्काउंट और बस ट्रैवल करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मौज लेते रहिए. मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द विद वन मोर एक्साइटिंग जर्नी. दिस इज़ डोलेश सेइंग गुड बाय फ्रॉम 200 जर्नीज. और यही कहूँगा यार, बस पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आते हैं. एक इंसिडेंट हुआ था फ्लाइंग रानी में और एक इंसिडेंट हुआ है आज. चलिए कोई बात नहीं, ओके मिलता हूँ आपसे जल्द, टेक केयर. पकड़ेंगे खाली मेरी तरफ करके पकड़ लीजिए बस. एक क्या करना है? खाली पकड़िएगा, थोड़ा थोड़ा सा पीछे. नहीं मेरी तरफ अंकल, मेरी तरफ. अरे आपको झाड़ दे दो प्लीज. ठीक है, इट्स ओके. अरे ऐसे ऐसे मेरी तरफ ऐसे ऐसे ना. हाँ हाँ हाँ. थैंक यू अंकल, थैंक यू. यू आर वेलकम.